मध्य प्रदेश में दर्शकों के लंबे इंतजार के बाद भी संजय लीला भंसाली की विवादित फिल्म पद्मावत का प्रदर्शन टल गया। सिने सर्किट एसोसिएशन के अध्यक्ष जेपी चौकसे ने कहा कि हालांकि अधिकारियों ने सुरक्षा का आश्वासन दिया है, लेकिन सिनेमा संचालक फिल्म की सुरक्षा को लेकर आश्वस्त नहीं है, इसीलिए उसका प्रदर्शन नहीं हो सकता। वहीं बताया जा रहा है कि अक्षय कुमार की फिल्म पैडमैन रिलीज होने के कारण मध्य प्रदेश में पद्मावत का प्रदर्शन टल गया है। इंदौर आधारित वितरक चंदूलाल गोयल ने बताया कि करनी सेना के प्रतिनिधियों को इंदौर के एक सिनेमाघर में पद्मावत दिखाई गई थी। उनकी ओर से फिल्म के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली हैं। फिल्म के प्रदर्शन को लेकर अभय की कोई स्थिति नहीं है, लेकिन फिल्म वितरकों को पैडमैन से पहले पद्मावत के प्रदर्शन की कोई निर्देश नहीं मिले थे, इसके चलते फिल्म कहीं नहीं लगाई गई। बताया जा रहा है कि पद्मावत की निर्माता कंपनी वॉयकॉम 18 और पैडमैन की निर्माता कंपनी सोनी पिक्चर्स के बीच एक अघोषित समझौता हुआ है, जिसके तहत प्रदर्शित होने वाली पैडमैन को पद्मावत के मध्य प्रदेश में प्रदर्शन से संभावित नुकसान को देखते हुए इसका प्रदर्शन अभी और टाल दिया गया है। तो क्या अक्षय कुमार इस बार भी संजय लीला भंसाली की बाजी मार ले गए? दोस्तों, आपको क्या लगता है, कौन सी फिल्म अपना जादू बिखेरने में कामयाब हुई है, पद्मावत या पैडमैन? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें।